वही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 29 जुलाई को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस वर्ष सितंबर में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 63% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द कर दिया था।